टीम इंडिया एशिया कप 2018 के फाइनल में पहले से ही पहुंच गई है और आज इस वीडियो में इस पूरे एशिया कप के रिकॉर्ड्स और स्टैट्स के आधार पर हम आपको टीम इंडिया की स्ट्रेंथ मतलब मजबूत पक्ष और टीम इंडिया की वीकनेस मतलब कमजोर पक्ष बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिए और अगर आप भी मेरी तरह टीम इंडिया के जबरे वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों पहली स्ट्रेंथ जो टीम इंडिया की रहने वाली है वो है टीम इंडिया के ओपनर्स। दरअसल दोस्तों इन दोनों ओपनर्स रोहित शर्मा और शिखर धवन की अगर हम पार्टनरशिप्स की बात करें तो ये इस एशिया कप की रिकॉर्ड्स के आधार पर स्टैट्स के आधार पर सबसे सक्सेसफुल पार्टनरशिप जोड़ी है। पिछला मैच जब ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ उतरे थे तो इन्होंने 210 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। इस पूरे एशिया कप में अराउंड 400 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप ये दोनों प्लेयर्स मिलकर कर चुके हैं, सबसे सक्सेसफुल जोड़ी है। इनका जो एवरेज रहता है वो लगभग 85 का रहता है, मतलब जब ये फील्ड पर उतरेंगे फाइनल मैच में तो टीम इंडिया की शुरुआती पार्टनरशिप में 85 रन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे जो रिकॉर्ड्स और स्टैट्स के आधार पर जो है वो वहां पर सुनिश्चित रहेंगे। तो भाई मेरे हिसाब से पहली स्ट्रेंथ जो है वो रोहित शर्मा और शिखर धवन की ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो टीम इंडिया के लिए रहने वाली है। दोस्तों जो दूसरी स्ट्रेंथ टीम इंडिया की है वो है टीम इंडिया की गेंदबाजी। दरअसल ऐसा लग रहा है कि पहली दफ़ा टीम इंडिया की गेंदबाजी ने पूरे कंबाइंड होकर जो है परफॉर्मेंस दी है। अमूमन ऐसा होता था कि एक दो खिलाड़ी परफॉर्मेंस देते थे और बाकी खिलाड़ी जो है सपोर्ट करते थे, लेकिन इस बार लगभग 3 प्लेयर्स ने तो 7 विकेट लिए हैं, एक प्लेयर ने 6, एक प्लेयर ने 5 विकेट लिए इस पूरे टूर्नामेंट में। आप सभी खिलाड़ियों के रिकॉर्ड भी अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कुलदीप यादव, बुमराह, जडेजा इन्होंने 7-7 विकेट ले चुके हैं। तो कोई भी ऐसा एक खिलाड़ी नहीं है जिस पर पूरी गेंदबाजी डिपेंडेंट, और यह बहुत अच्छी खबर रहने वाली है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि कहीं भी अगर एक दो खिलाड़ी फ्लॉप हो गए, फॉर्म में नहीं रहे, तो भी टीम इंडिया के लिए घबराने की बात नहीं रहेगी फाइनल मैच के दौरान। सेकंड स्ट्रेंथ टीम इंडिया की होल गेंदबाजी कॉम्बिनेशन रहेगा, चाहे वो स्पिनर हो या फिर हो वो तेज गेंदबाज। दोस्तों ये तो थी टीम इंडिया की स्ट्रेंथ मतलब मजबूत पक्ष। अब दोस्तों आंकड़ों के आधार पर बात कर लेते हैं कि क्या रहने वाला है टीम इंडिया का कमजोर पक्ष। तो भाई पहला और इकलौता कमजोर पक्ष जो टीम इंडिया का वो है टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ जो 2 मैच हुए थे, बांग्लादेश के खिलाफ जो 1 मैच हुआ था, इसमें टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर टेस्ट ही नहीं हुआ, शुरुआती बल्लेबाजों ने ही रन बना दिए और शायद वो मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होता इनके सामने तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था, क्योंकि टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में अभी वो बात नहीं दिख रही है। लोअर मिडिल ऑर्डर ने अफगानिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं दी है, मिडिल ऑर्डर ने हांगकांग के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो भाई ये बहुत बड़ा कंसर्न रहने वाला है, क्योंकि अगर आपके वो ओपनर्स आउट हो गए जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पूरे एशिया कप में किया है तो टीम इंडिया को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही दिखाई दे रहे हैं मिडिल ऑर्डर में जो थोड़े से सशक्त दिखाई दे रहे हैं। तो भाई एक वीकनेस रहेगी टीम इंडिया की, वो रहेगी टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर। सो दोस्तों ये तो थी स्ट्रेंथ और वीकनेस की वीडियो। अब प्लेयर्स टू वॉच आउट की बात करें तो भाई रोहित शर्मा, शिखर धवन ये 2 खिलाड़ी प्लेयर टू वॉच आउट फॉर रहने वाले हैं, और मेरे हिसाब से जो तीसरे प्लेयर टू वॉच आउट फॉर में रहेंगे वो रहेंगे रविंद्र जडेजा। आपके हिसाब से कौन है वो 3 खिलाड़ी जो रहेंगे प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इस फाइनल मैच में, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, यहां कहीं नीचे दिया होगा, और बेल आइकन को भी दबाइए सब्सक्राइब कर।